नमस्कार दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए, जेवर एयरपोर्ट के बारे में एक और बड़ी अपडेट आ गई है। जेवर एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनियां 29 को तय हो जाएंगी। जेवर एयरपोर्ट की तकनीकी निविदा में चारों कंपनियाँ पास हो गई। 29 नवम्बर को वित्तीय निविदा खोली जाएगी, यानी कल खोली जाएगी, ठीक है। 29 को तय होगा बिल्कुल पक्का कि कौन कौन सी कंपनियों को टेंडर इसमें दिए गए हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर की तकनीकी बिड में चारों कंपनियां सफल रहीं। बुधवार को लखनऊ में हुई पीएमआईसी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एवं इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक में इस पर मोहर लगी। अब 29 नवम्बर को वित्तीय निविदा खोली जाएगी, इसमें एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनियों का चयन हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नियाल ने 6 नवंबर को तकनीकी निविदा खोली थी। जेवर एयरपोर्ट के लिए 4 कंपनियों ने टेंडर जमा किए थे। इसमें दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड व एनकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड शामिल हैं। कंपनियों का मूल्यांकन करने के बाद बुधवार को लखनऊ में पीएमआईसी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव आर के तिवारी की अध्यक्षता में हुई। चारों कंपनियां तकनीकी निविदा पास हो गई हैं। अब 29 नवंबर को इसकी फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। ये थी जेवर एयरपोर्ट के लिए एक और बड़ी अपडेट। जेवर एयरपोर्ट की अगली सुनवाई 4 दिसंबर के लिए टाल दी गई है। इसका मैं ऑफिशियल सबूत आप सभी को जल्द से जल्द देने वाला हूँ।